हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। आज हम बनाएंगे क्रिसमस स्पेशल क्रिसमस केक। ये बहुत ही कलरफुल है। आइए बेक दिस कलरफुल क्रिसमस केक यूजिंग असाई कसाई कुकिंग सीट। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे एक बाउल और उसमें हमने दे दिया है एक छोटा बाउल ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब हम उसी सेम बाउल में ही शुगर लिया है। आप शुगर पाउडर करके भी ले सकते हैं। शुगर को भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तो पूरा तेल के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसीलिए हम इसी स्टेज में ही दे देंगे हमारा मिल्क। मिल्क हमारा रूम टेम्परेचर में है और मैंने यहाँ पे एक कप मिल्क लिया है, लेकिन मैंने 80% मिल्क मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे मैदा डाल दिया है। मैदा को हम छान के डालेंगे। अब हम इसमें दे देंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून और 1 पिंच नमक दे के इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए ये एक बैटर रेडी हो गया है। ये थोड़ा थिक था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा मिल्क दे के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम दो बाउल लेंगे क्योंकि ये केक हम क्रिसमस के लिए बना रहे हैं। 3 बाउल में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है सेम क्वांटिटी में। अब मैंने एक में रेड फूड कलर और एक में ग्रीन फूड कलर दे दिया है और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम दे देंगे अब सारे में 1/2 टेबल स्पून विनेगर। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है। अब हम लेंगे असाई कसाई का कुकिंग सीट। इसको देखिए निकालना भी बहुत इजी है और इसको टियर करना भी इजी है बहुत। देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और हम केक टिन में डाल देंगे। आपको असाई कसाई का प्रोडक्ट यूज करने जब आप यूज करेंगे तो इसमें केक टिन में कोई ग्रीसिंग की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप निकालिए और इसके हिसाब से कट करिए और केक टिन में डाल के आप केक बेक कर सकते हैं। आप असाई कसाई कुकिंग सीट का यूज करके बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं। ये आप ज़रूर यूज कीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है यूज करने में। देखिए हम 3 कलर का जो हम बैटर बनाए थे इसको हम इसी तरह से देंगे। 1 स्पून हम देंगे व्हाइट कलर, फिर रेड, फिर ग्रीन। इस तरह से हम सारे इस तरह से दे देंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे केक टिन में डालनी है। इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे। हम बनाएंगे केक गैस पे ही कढ़ाई पे। तो इसमें मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया है, पहले से 15 मिनट हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक स्टैंड दे दिया है, इसमें हम रख देंगे हमारा केक टिन और हम इसको ढक लेंगे लो फ्लेम पर। ये होने में फ्रेंड्स 40 मिनट्स लगता है। 40 मिनट्स के बाद मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। देखिए ये टूथपिक में नहीं लग रहा है तो केक हमारा हो गया है। हम इसको कपड़े से ढक के 15-20 मिनट्स इस तरह से छोड़ देंगे। 15-20 मिनट्स के बाद हम इसको चेक कर लेंगे और इसको हम डिमोल्ड कर लेंगे। देखिए ये कितनी आसानी से निकल गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।